अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुजम्मिल अहमद और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कोरल ड्रा के विंडो मेन्यू को। लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किए पिछले बकाया मेन्यूज, अभी की लास्ट क्लास में हमने टूल्स मेन्यू को भी डिस्कस किया। अब आज की इस क्लास में आज की क्लास बहुत छोटी सी क्लास है, ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं हैं, विंडो मेन्यू को हम डिस्कस करेंगे। तो विंडो मेन्यू में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है न्यू विंडो। अब ये न्यू विंडो क्या है, जैसे ही मैं न्यू विंडो पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे एक और न्यू विंडो ओपन हो गई। अभी वो आपको नज़र नहीं आ रही, मैं यहाँ से इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ, ये देखें यहाँ पे दूसरी विंडो आ गई। अब मैं यहाँ पे आपको क्लोज करके इसको दिखाता हूँ। जैसे अब मैंने न्यू विंडो पर क्लिक किया, ये देखें ग्राफिक टू यहाँ पर मेरे पास खुल गई। ये इसका न्यू विंडो एक का एक ऑप्शन है। देन इसके बाद कैस्केड। अब ये कैस्केड क्या है, मिसाल लें मैं यहाँ पे दो तीन विंडोज़ खोल लेता हूँ, लाइक ये अब मेरे पास दो तीन विंडोज़ ओपन है। देन अब मैं इसको कैस्केड करता हूँ, तो कैस्केड से क्या है, सबसे पहली फिर ये दूसरी फिर ये तीसरी, यानी एक के ऊपर एक विंडो हमारी खुल जाएगी। देन इसके बाद है टाइल हॉरिजॉन्टली। और ये टाइल हॉरिजॉन्टली में ये हमें इस तरीके से टाइल बने हुए आ जाएंगे, एक के ऊपर एक ये हमारी विंडोज़ ओपन हो जाएंगी। और हम मुख्तलिफ तीन विंडोज़ पे काम कर रहे हैं अलग अलग, तो हम उनको एक साथ देख सकते हैं। देन उसके बाद टाइल वर्टिकली, ये सारी वर्टिकली आ जाएंगी, ठीक है। तीन विंडो आपको छोटे छोटे करके, अब अगर आप इसको एक और ले लें यहाँ पे, ठीक है ना, और उसके बाद अब आप टाइल वर्टिकली हैं तो ये चार हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो जितनी आप ऐड करते रहेंगे उसमें मज़ीद ऐड होती जाएंगी। देन इसके बाद है कलर पैलेट्स। अब मैं चारों को, एक तीन को मैं बंद कर लेता हूँ, एक को खोल लेता हूँ, मैंने एक ये वाली ओपन कर ली। इसको ओपन करने के बाद एक ऑप्शन है कलर पैलेट। अब ये यहाँ पे आपको कलर पैलेट्स दिख रही है, आप जो जितने चाहें सॉलिड मेड, ये सॉलिड कलर्स यहाँ पर ऐड हो गए। देन इसके बाद यहाँ पे आप एस वी जी कलर्स, यहाँ पे ये एस वी जी कलर्स यानी वेब के जो कलर्स होते हैं वो ऐड हो गए। लेकिन इसके बाद डॉकर्स हैं, डॉकर्स में जो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेन्यूज़ में पढ़ कर आएँ, ये सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे मैं यहाँ पे कलर पे क्लिक करूँ तो ये कलर्स का मुझे पैलेट खोल के दिखा देगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं लेंस पर क्लिक करूँ तो ये लेंस मुझे दिखा रहा है, तो ये सब चीज़ें हम आगे देख कर आए हैं। लेकिन इसके बाद आता है जो टूल बार। अब ये यहाँ पे टूल्स बार तो हमें दी हुई है, लेकिन टूल बार्स में मज़ीद चीज़ें हैं, जैसे टेक्स्ट। अब यहाँ पे टेक्स्ट का मुझे एक अलग टूल बॉक्स दे दिया इन्होंने, ओके। देन और इसके अलावा टूल बार्स में एक चीज़ है इंटरनेट, इंटरनेट का एक अलग मेरे पास पैलेट आ गया, एक अलग वो आ गया ऑप्शन, ठीक है। और इसके अलावा टूल बार्स में मेरे पास एक है प्रिंट मर्च, प्रिंट मर्च का एक ऑप्शन आ गया। तो ये चीज़ें हैं ना, ये सब अलग अलग से भी इन्होंने दी हुई, हम चाहें तो रख सकते हैं, वैसे इतनी इनकी ज़रूरत नहीं है, हम इनको अंदर से ऑप्शन से जाकर ही यूज़ कर लेते हैं जब हमें करना होता है। टेक्स्ट की बात ये है कि टेक्स्ट हमें यहाँ पर दिख रहा होता है, ये रहा टेक्स्ट यहाँ। और इसके बाद अभी ये देखें मेरे पास, जैसे मान लीजिए एक दो चार, ठीक है, मेरे पास तकरीबन तीन विंडो खुल गए ना, चार में बोल रहा हूँ, तीन विंडो मेरे पास खुल गए। अब ये यहाँ पे देखें क्लोज, यानी जिस पर अभी मैं विंडो पर मौजूद हूँ वो क्लोज हो जाएगी, ओके। अब बची पीछे तीन, ठीक है ना, हाँ बाकी चार खुली थी मेरे पास, तीन पीछे मेरे पास विंडो खुली। अब मैंने उसको क्लोज ऑल कर दिया, तो ये मुझसे पूछा कि आपने जो इस पर वर्क किया हुआ है, पहले ना भी किया होगा लेकिन ये पूछेगा आपसे, तो मैंने इसको नो कर दिया, अब कुछ भी सेव नहीं होगा। अगेन मैं न्यू के मेन्यू में आया, नया विंडो मेरे पास खुल गई। अब एक है रिफ्रेश विंडो, यानी आप जिस विंडो पर मौजूद हैं उसको रिफ्रेश कर लें अगर वो कुछ आपको कम कर दिया। देन इसके बाद ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ग्राफिक वन अभी दिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही विंडो है, मैं तीन ले लेता हूँ तो यहाँ पर तीन दिखाएगा। अभी देखें ये एक, ठीक है, और ये ठीक है, ये ग्राफिक्स हमें तीन विंडो में दिखा रहा है, तो ये तीन विंडो मेरे पास ओपन है। अब मैं इसको दोबारा से क्लोज ऑल कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्लोज ऑल कर दिया और ये हो गया आज का हमारा चैप्टर समाप्त। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, हाफिज़।